छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में अधिवक्ता संघ ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम तेज कर दी है। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे अधिवक्ताओं ने गुरुवार को भी विरोध प्रदर्शन किया और धरना स्थल पर पुतलों को जूते मारकर विरोध जताया। संघ ने ऐलान किया, अधिवक्ता न्यायालय में प्रवेश करने से पहले भ्रष्टाचार के इन पुतलों को जूते मारेंगे। राजस्व न्यायालय के कामों का भी बहिष्कार कर दिया गया, इसका असर राजस्व न्यायालयों के कामकाज पर पड़ेगा। दूसरी ओर संघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने कल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से मुलाकात की थी, जिसमें राजस्व न्यायालयों में बिक रहे फैसलों और पुलिस की एक पक्षीय कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। हम लोग रायगढ़ की जो संपूर्ण घटना हुई है उसके संबंध में संपर्क करने के लिए बिलासपुर हाई कोर्ट गए थे, जिसके संबंध में हमारे द्वारा चीफ जस्टिस से बात की गई, संपूर्ण विवरण बताया गया। उसके अलावा सतीश चंद वर्मा AG साहब से बात किए थे, जो वर्तमान में SBC के हमारे प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने समिति गठित किया है, द्विसदस्यीय समिति, जिसमें प्रफुल्ल भारत और शैलेंद्र सिंह को सदस्य नियुक्त किया है, और 15 दिन के अंदर संबंधित घटना के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु कहा गया है। इसके अतिरिक्त हाई कोर्ट बार में हमको बुलाया गया और भ्रष्टाचार का पुतला दहन भी कराया गया। वहां पर बहुत जोर से भ्रष्टाचार के विरुद्ध नारेबाजी की गई। रायगढ़ से 4 लोग गए थे, जिसमें सत्येंद्र सिंह, राजकुमार उपाध्याय, मनोज तिवारी और मैं रमेश कुमार शर्मा। वहाँ पर चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई और पोर्टफोलियो जज अग्रवाल साहब से मुलाकात हुई। उनको घटना के बारे में पूरी जानकारी दी गई और राजस्व न्यायालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी दी गई। जांच समिति गठित हुई है, AG साहब ने 2 सदस्यीय समिति गठित की गई है, जो 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी। आम सभा लेके, कॉमन मीटिंग लेके, ये सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित किया गया है कि जब तक हमारे साथी अधिवक्तागण जेल से रिहा नहीं हो जाते हैं तथा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं और रेवेन्यू में भ्रष्टाचार समाप्त नहीं कर दिया जाता है, तब तक हम यहाँ पे अनशन करेंगे। और अनशन की जो नियमावली थी, कल मैंने बता दी है, जो 2 पुतले लगे हैं उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाएगा। आज देखेंगे कि हम प्रस्ताव के अनुरूप आज गणवेश में न्यायालय नहीं आए हैं, लेकिन हमने न्यायालय का प्रतिकार भी नहीं किया है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि न्यायालयीन कार्य रुके या किसी भी प्रकार के शासकीय कार्यों में बाधा उत्पन्न हो। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि जो शासकीय कर्मचारी को ना तो अवकाश प्राप्त हुआ है और न ही किसी प्रकार का शासन का निर्देश प्राप्त हुआ है, इसके बाद भी शासकीय कार्य को बाधित करते हुए पिछले लगभग 1 सप्ताह से वो धरने पर बैठे हुए हैं।